आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। कुछ देर पहले हम आपसे लाइव रूबरू हुए थे, लेकिन नेट कनेक्टिविटी की वजह से जो है वो लाइव सेगमेंट कट हो गया। और अभी हम ब्लड बैंक के बिल्कुल बाहर SMGS हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। अरुण देव सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, युद्धवीर सेठी जी यहाँ पर मौजूद हैं, और भाजपा द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वो लोगों की मदद के लिए किस तरीके से आगे आएं। और ये हमने देखा अभी कि पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें, लगातार रविंदर राणा जी की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा जी की, वो भी लगातार हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं। चाहे SMGS हॉस्पिटल की बात की जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, इसके साथ साथ कल हमने देखा गांधीनगर कॉलेज में वो गए थे, इससे पहले मल्टी स्पेशलिटी गए थे, और उसके बाद भक्ति नगर, इन तमाम जगहों का दौरा किया जा रहा है। साथ साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं चंद्रमोहन गुप्ता जी, वो भी साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। आज भी यहाँ पर जो है भाजपा द्वारा जो है ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत की गई है, और अरुण देव जी जो हैं ब्लड एंड प्लाज्मा के इंचार्ज हैं। अरुण देव जी, आपके ऊपर एक अहम जिम्मेवारी सौंपी गई है, आपके नंबर फ्लैश किए गए हैं BJP हेल्पलाइन नंबर में। अगर किसी को ब्लड और प्लाज्मा के अलावा भी जरूरत पड़ती है तो क्या वो इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, वो फोन कर सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। वो चाहे इस समय जैसे क्वारंटाइन फैमिलीज हैं जिन्होंने, जिनके पूरे पूरे परिवारों के अंदर कोरोना पॉजिटिव है, या अधिकतर परिवार के सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको भोजन की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करा रहे हैं। घर घर जाकर के भोजन पहुंचाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। चाहे वो जो मरीज हैं अस्पतालों के अंदर, उनके अभिभावक हैं, वो जो बाहर खड़े हैं या बाहर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनको क्योंकि लॉकडाउन के कारण भोजन की व्यवस्था कहीं नहीं मिल रही, उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा है। इस समय जिस भी प्रकार की आवश्यकता आम समाज को, किसी को दवाई चाहिए, हमने डॉक्टर्स हेल्पलाइन भी बना रखी है कंसल्टेशन के लिए, जिसमें अगर वो फ़ोन करें तो उनको पूरा कंसल्टेशन करके भी दिया जाएगा, और किसी को अगर कोई भी समस्या है तो वो घर पर भी उसका उपचार, अगर वो एक लिमिटेड स्पैन में है, एक फेज में है, तो वो उसका घर पर रह करके भी उसका उपचार कर सकता है। तो ऐसी विभिन्न विभिन्न हेल्पलाइन और ये सेवाएं हमने शुरुआत किया है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय ऑन ग्राउंड रह करके जिस भी प्रकार की हमारे जिम्मे काम लगेगा, जिस भी प्रकार से जम्मू वासियों को हमारे लिए कोई भी आदेश होगा तो हम लोग तत्पर हैं। अरुण देव जी, जब इस तरह के हालात हों, मौजूदा हालात हों, और कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जब बढ़ जाती हैं तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं, उनकी उम्मीदें जाग जाती हैं कि चलो ठीक है, कोई तो ऐसा है जो हमारा सुख दुख लेने वाला है, क्योंकि जिस तरह के हालात इस समय चल रहे हैं, कई कई रातें, कई कई दिन हो गए हैं डॉक्टर्स को घर गए हुए 24 आवर्स ड्यूटीज दे रहे हैं, कोविड का सबसे क्लोज जो नर्सिस उनके साथ रहती हैं कोविड पेशेंट्स के, इस समय खास करके डॉक्टर्स की बात की जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, हालांकि सरकार द्वारा डॉक्टर्स को इंसेंटिव देने का प्रयास किया जा रहा है, हम तो यही उम्मीद करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के लिए भी कुछ इस तरह इंसेंटिव स्कीम्स निकालें। इस समय इन तमाम कोरोना वॉरियर्स जो हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हैं, इनका मनोबल बढ़ाने की कितनी जरूरत है, और जो लोग अभी भी उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? उनका मनोबल जिस तरीके से आपने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन पर विश्वास करने वाली, इस ये केवल एक नारा नहीं है परंतु ये हमारा विचार है। सेवा के लिए ही हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय आम समाज के साथ मिलकर के खड़ा है, उनके लिए सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है, वहीं हम कोरोना वॉरियर और फ्रंटलाइन वॉरियर्स का भी मनोबल बढ़ाने का काम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सेवा के काम कर रहे हैं, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े, क्योंकि एक जनरल एक परसेप्शन है और जनरल एक फिनोमिना है कि एक काम कर करके और इस माहौल के अंदर रह करके एक कोरोना वॉरियर या फ्रंटलाइन वॉरियर भी फटीग्ड महसूस करता है, तो वो भी अपने आप का मनोबल उसका भी देख देख कर ये सब जिस तरीके से वाक्या हमारे सामने आ रहे हैं और जितना ये विपदा का काल है उसको देख करके उसका भी मनोबल गिरता है, परंतु जब वो हमारे कार्यकर्ताओं को भी देखता है उसका मनोबल भी बढ़ता होगा, और हम भी उनको देख देख करके अपना मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति है और हम इस पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक के साथ खड़े हैं, अंतिम श्वास तक खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ युद्धवीर सेठी जी भी हैं। युद्धवीर जी,
अभी भी इस माहौल में अगर देखा जाए तो अपोजिशन जो है वो अभी भी उनको बस मुद्दे चाहिए कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आपको लगता है ये समय जो है, इस समय सबको एक साथ एकजुट होकर ये सोचना चाहिए कि कोरोना को कैसे हराया जाए, लोगों के लिए हम वेलफेयर के लिए काम कैसे करें, उनके साथ खड़े कैसे हों, उनकी तकलीफ़ों को कैसे सुना जाए, भूल जाएं कुछ देर के लिए पार्टीवाद, भूल जाएं हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इंसानियत के नाते ही खड़े हो जाएं। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो अपोजिशन को आज की तारीख में इस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, अपने मन मुटाव तो हम लोग इलेक्शन के दौरान पूरे कर लेंगे, अपने आइडियोलॉजी पे लड़ने का काम तो हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पर आज जब लोगों को ज़रूरत है बेड्स की, ऑक्सीजन की, रोटी की, दवाई की, और आखिर में जो श्वास लेता है उसको शमशान घाट जाने के लिए एम्बुलेंस की, आखिर में वहाँ पे लकड़ी की, कोई भी व्यक्ति किसी को कंधा देने तक नहीं आ रहा, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी एनजीओस का यही फर्ज बनता है इकट्ठे खड़े होकर जी हम लोगों को किस प्रकार से हूबरू होकर उनका कार्य करना है। सेवाई समर्पण, सेवाई संगठन द्वारा जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहाँ है वो पार्टीज जो बड़े बड़े नारे देती है, जिन्होंने 70 साल इस बर्बादी तक छोड़ा इन हॉस्पिटल्स को, 30-30, 40-40 वेंटिलेटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स देखें नाम मात्र के, उसके बाद सब डिवीज़न जो हॉस्पिटल्स हैं नाम मात्र के, जो इमरजेंसी में जो डिस्पेंसरीज खोली गई हैं नाम मात्र में, क्या 70 सालों में किया इन लोगों ने यहाँ पर, एक साल के अंदर फिर भी जो डेवलपमेंट हुई यहाँ पर, अभी भी एलजी महोदय द्वारा जो डेवलपमेंट की जा रही है, 1300 बेड बढ़ाए गए, हेल्पलाइन खोलेगी, सिलेंडर के लिए वार रूम खोले गए, और एनजीओस को भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवती नगर में खोला गया, हर कदम उठाया जा रहा है ऑक्सीजन को भी आगे लेने, क्या 70 सालों में ऑक्सीजन के प्लांट नहीं आ लग सके? आज ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग, आज भी इनको अगर इन्होंने कर्म अच्छे नहीं किए, आज तो अच्छे कर्म करें, सड़कों पे आगे कम से कम उन लोगों के साथ जो लोग हैं, जो रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ, जो रूलिंग पार्टी है एलजी महोदय जिसको चला रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लोगों की सेवा तो करें। बिल्कुल, हमें नहीं दिख रहा, आप भी मीडिया के माध्यम से देखें तो सड़क पे कितने लोग अपोजिशन के आज निकल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अपोजिशन के लोग युद्धवीर जी दिख रहे हैं, लेकिन सरकार का, सरकार को कसूरवार बताते हुए कि देखिए ये जगह कितनी देर से बंद है, इसको COVID-19 का सेंटर बना लीजिए, यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, यही बात हम जानना चाहते हैं कि जो माहौल जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में या दुनिया भर में, क्या ये समय सही है सियासत करने के लिए? इस समय तो लोगों की मदद करनी चाहिए। जो लाइन ऊपर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी इनको दे रहे हैं, ये उसी लाइन पे चल रहे हैं। इनका काम है लोगों को, उत्साह को ख़त्म करना, लोगों के अंदर डर पैदा करना, लोगों के अंदर पैनिक पैदा करना, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी को बदनाम किया जा सके। पर मैं बता दूं, करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जान हथेली पे लग के कार्य कर रहे हैं और वो कार्य करते रहेंगे। हम लोग COVID-1 में भी इसी तरह संघर्ष किया, COVID-2 में भी हम लोग जम्मू कश्मीर मंदिरों के शहर को बाहर निकाल के छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया युद्धवीर सेठी जी। और ये तस्वीरें आपने देख रहे हो ब्लड बैंक SMGS हॉस्पिटल जम्मू के बाहर की, और आज से यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, और यही अपील इनके द्वारा की जा रही है कि जिन भी व्यक्तियों को जो है ब्लड की ज़रूरत है, और वो हमारे नंबरों पे जो है वो संपर्क करें। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि लोग, आम जनता जो है वो बढ़ चढ़ कर इस समय में ब्लड डोनेट करें। और जिस तरीके से इनिशिएटिव बीजेपी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, युवा मोर्चा द्वारा यहाँ पर लिया गया है, एक ब्लड कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया है, इसी तरीके से ज़्यादा लोग जो खून दान करना चाहते हैं वो भी आ गए हैं, और जिनको किसी तरह की भी ज़रूरत है तो वो हमारे नंबर्स पे, हेल्पलाइन के नंबर्स पे किसी भी कार्यकर्ता से आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े हुए बस के साथ, शाम जी साहब राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।